शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्ट्रिया के सिपाह सलार ने? रुक्साना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका जिनेबी माइकल सीजायो डी सांता और मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थंबनेल और टाइटल देख कर आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक किसको रोस्ट कर रही हूँ। हाँ, मैं अनवर चेखव को फिर से रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन इस बार टॉपिक अलग है और वो ये है कि माइकल जैक्सन और उसकी मौत के साथ इल्यूमिनाटी का कोई रिश्ता है या नहीं। यहाँ पे अल्बर्ट जैकब 23 पॉइंट गलत बताई हैं, तो यकीन नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, मैं अब बता दूंगी। अल्बर्ट जैकब, जरा अपने दोस्तों को सुना, जरा क्या आप माइकल जैक्सन के बारे में क्या कहना चाहते थे? वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट माइकल जैक्सन सोल्ड हिज सोल फॉर मनी। माइकल जैक्सन को पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री का बादशाह माना जाता है और आज भी दुनिया इसकी दीवानी है। माइकल जैक्सन के गानों का ऐसा जादू इसके फैंस के दिलों पर सवार है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि माइकल जैक्सन मर चुका है, और जो लोग उसे जिंदा साबित करने पर तुले हुए उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि जिसे ये मान लिया जाए कि माइकल जैक्सन जिंदा है। माइकल ने 1985 में सोनी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की थी, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसने उसके शेयर्स खरीदे थे, और तब से सोनी कंपनी के जरिए करोड़ों डॉलर्स माइकल ने भी कमाए और इसने सोनी को भी कमा कर दिए। माइकल जैक्सन की मौत का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो सोनी कंपनी को होने वाला था, क्योंकि माइकल जैक्सन ने जो आधी कंपनी है सोनी उसको खरीदा हुआ था, यानी कि उसके शेयर्स उसके पास थे और ये प्रॉफिट जो है ना 50% सोनी कंपनी से माइकल जैक्सन लेता था। और आखिरी अपनी जो एल्बम इसने रिलीज करनी थी, उस एल्बम को रिलीज करने से पहले माइकल जैक्सन ने ऐलान कर दिया था कि मैं सोनी कंपनी को छोड़ दूंगा और अब मैं सोनी को कोई अपनी कमाई खाने नहीं दूंगा। और माइकल का कहना यह था कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो सोनी को उसके शेयर्स वापस कर देगा, बल्कि इसका मतलब ये था कि वो फिर भी आधा सोनी जो है उसको खरीदे हुए अपने पास रखेगा, लेकिन उनके साथ अब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा जिसमें इसके पैसे जो कमाता है, जैसे ये अपने सॉन्ग से अपने एल्बम से कमाता है जो रॉयल्टी है, वो ये इसको सोनी को नहीं जाएगी, अब वो सारी की सारी जो है वो माइकल जैक्सन ही को आएगी। और उन दिनों टोमी मोटोला और माइकल जैक्सन के दरमियान कोई टेंशन चल रही थी, इनके दरमियान कोई इख्तलाफात थे, और टोमी मोटोला जो है वो सोनी कंपनी का उस वक्त म्यूजिक कंपनी का सोनी म्यूजिक कंपनी का उस वक्त हेड था, और इन दोनों की टेंशन आपस में चल रही थी, और माइकल जैक्सन ने टोमी मोटोला को डेविल कहकर अपने गुस्से का इजहार किया। और जिस शो में माइकल जैक्सन ने ये बातें की, उस शो में माइकल जैक्सन ने एक कार्ड शो किया सबको, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि म्यूजिक कंपनी जो है सोनी किल्स म्यूजिक, यानी कि वो जो म्यूजिक कंपनी है बेसिकली वो आर्टिस्ट को, यानी कि जो म्यूजिक प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको कत्ल करती है।
इस तरह माइकल जैक्सन ने इस शो में अपनी मौत की पेशन गोई भी कर दी थी। उसने बता दिया था कि सोनी कंपनी जो है वो म्यूजिशियंस को यानी कि जो आर्टिस्ट हैं उनको कत्ल करती है। इस बात को साबित करने के लिए कि सोनी ही ने माइकल जैक्सन का कत्ल करवाया है, उसको मरवाया है, सोनी ने खुद 15 मार्च 2016 को USAToday.com पर शाया होने वाली न्यूज के में हमें सबूत दे दिया है कि सोनी ही ने माइकल जैक्सन को मरवाया। इस न्यूज के मुताबिक सोनी ने माइकल जैक्सन के वो सॉन्ग्स जो फॉरएवर ग्रीन हैं, यानी कि जो चलते रहते हैं, हमेशा ही लोग सुनते रहते हैं, और वो सॉन्ग्स जिनके कॉपीराइट्स माइकल जैक्सन ने खरीदे थे, जो जिनमें जो बीटल्स हैं उसके कुछ सॉन्ग्स हैं, रोलिंग स्टोन्स के और टेलर स्विफ्ट के क्लासिक गाने थे, सोनी ने $750 मिलियन में खरीद लिए हैं। वॉचर्स इससे ये बात साबित होती है कि सोनी जो है वो माइकल जैक्सन की कंपनी से बहुत ज्यादा जेलस थे और वो अपने शेयर्स वापस लेना चाहते थे, इसलिए इनके दरमियान टेंशन चल रही थी। और माइकल जैक्सन जो है वो सोच ये रहा था कि आगे फ्यूचर में मजीद वो सोनी पूरी की पूरी कंपनी खरीद ले, क्योंकि सोनी के अलावा भी माइकल जैक्सन ने बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट से माइकल जैक्सन को इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा था जितना प्रॉफिट सोनी से आ रहा था, इसलिए माइकल जैक्सन का इंटरेस्ट ज़्यादा सोनी के अंदर बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से जो सोनी है उसको ये फील हो रही थी इनसिक्योरिटी कि कल को, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक आर्टिस्ट है, कल को ये पूरी सोनी कंपनी ही ना खरीद ले, और इसलिए उन्होंने कहा कि इससे पहले पहले ही हम इससे या तो शेयर्स वापस ले लेते हैं या इसको रास्ते से हटा देते हैं। माइकल की बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा डेट के अंदर चला गया था, बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब गया था। अब उसके पास आखिरी उम्मीद जो थी वो सिर्फ और सिर्फ सोनी कंपनी थी, इसलिए माइकल जैक्सन का इंटरेस्ट जो है वो सोनी कंपनी में बढ़ता जा रहा था। और सोनी माइकल जैक्सन को सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट समझते थे और वो आर्टिस्ट तक ही उसको रखना चाहते थे, उसको बिजनेसमैन देखते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इसलिए ये बात साबित होती है कि सोनी ही ने माइकल जैक्सन को मरवाया है, क्योंकि माइकल जैक्सन मरने के बाद उसके गाने खरीद कर उनको मजीद आगे बेचने का स्टेप लेकर सोनी ने ये बात साबित कर दी है कि उसके मरने का सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोनी कंपनी को हुआ है। और अब जो लोग माइकल जैक्सन के फैन हैं वो बात जान लें कि माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी था और वो पैसे का पुजारी था। इसका एक गाना है जिसका नाम है एनीथिंग। इसके लिरिक्स को आप जाके, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप गूगल पे जाके ये लिखें एनीथिंग बाय माइकल जैक्सन और इसके लिरिक्स जो है वो आप निकाल कर देखिए। तो वैसे तो मैं आपके साथ ये तस्वीर शेयर कर रहा हूँ, इसके लिरिक्स में लिखा हुआ है, इस गाने में माइकल जैक्सन ने कहा है, एनीथिंग फॉर मनी, वुड लाई फॉर यू, would die for you, even sell my soul to the devil. यानी के पैसों के लिए मैं कुछ भी करूँगा, झूठ बोलूँगा और तेरे लिए मर जाऊँगा, बल्कि तेरे लिए अपनी रूह भी जो है वो शैतान को बेच दूंगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि माइकल जैक्सन ये सब किसको कह रहा है? लूसीफर को। जी हाँ, लूसीफर को कह रहा है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि शैतान जब यीशु मसीह को आजमाने के लिए आया तो उसने यीशु मसीह से कहा कि तू मुझे सजदा कर तो मैं ये सारी शान और शौकत जो दुनिया की है वो मैं तुझे दे दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा करना और सिर्फ उसी ही की इबादत करना। अब इस तस्वीर के अंदर माइकल जैक्सन अर्थ सॉन्ग को परफॉर्म करते हुए बैफोमेट जैसे हाथ साएं, जो जैसे बैफोमेट के हाथ हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, बिल्कुल सेम इसी तरह माइकल जैक्सन शो कर रहा है एज अबव सो बिलो के साइन, जो कि बैफोमेट के हाथ के साइन है, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। अगर आप गौर करें तो माइकल जैक्सन ने स्टेज के ऊपर ये हैंड साइन करके साबित किया है कि ये बैफोमेट का पुजारी है। और यहाँ माइकल जैक्सन अपने हाथ से डेवल हॉर्न्स यानी कि शैतान के सींग बनाते हुए दिखाई देता है, और सब जानते हैं कि ये सींग जो शैतान के बनाते हैं ये लूसीफेरियन हैं, ये सारे के सारे लूसीफर की पुजारी के पुजारी हैं, इसकी पूजा करने वाले लोग हैं। दोस्तों, ये सब के सब फेम के लिए, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये लोग शैतान की पूजा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नोट कीजिए तो माइकल जैक्सन ने अपने हाथों से 666 बनाया हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी का बंदा था और इनके लिए काम करता रहा है, और इसके साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो आप लोगों की नजरों के सामने हैं।
कैसे उसको ब्लैक से वाइट किया गया, उसकी चमड़ी के साथ खेला गया, उसकी ज़िंदगी के साथ खेला गया, उसको कत्ल कर दिया गया, ये सब कुछ उन लोगों के साथ होता है, उनकी जानें महफूज नहीं हैं जो खुदा की इबादत नहीं करते बल्कि शैतान की इबादत करते हैं, ताकि उनको फेम मिले, उनको पैसे मिले, वो झूठ से, मकारी से, चालबाजी से वो दुनिया की दौलत हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस यही होते हैं कि उनको इस जहान में भी मौत मिलती है और अगले आने वाले जहान में भी हमेशा की मौत है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि आर्मर्स जैकब माइकल जैक्सन के बारे में क्या कहना चाहते थे। ओके, तो आर्मर जैकब को इस टॉपिक पे रोस्ट करूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि माइकल जैक्सन मेरी जो फेवरेट पॉप सिंगर थे उनमें से माइकल जैक्सन के नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद डॉक्टर आलबैन, मॉडर्न टॉकिंग, आना बारबारा, मलिहाना सोलानेस पे आते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश पॉप के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर आते हैं माइकल जैक्सन। तो क्योंकि माइकल जैक्सन के पॉप म्यूजिक हमारा हम में से सिर्फ पॉजिटिव स्प्रेड की जा रही है, स्प्लिट नहीं स्प्रेड, यानी कि माइकल जैक्सन की जो पॉप म्यूजिक है उनमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। और क्रिसमस डे में कभी कभी माइकल जैक्सन की क्रिसमस सॉन्ग भी सुनती हूँ। खैर, अब मैं टॉपिक में आती हूँ। यहाँ पे मैंने 23 पॉइंट नोट कर ली है। 23 पॉइंट, वो 23 पॉइंट क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहला पॉइंट है एज अबव सो बिलो। तो माइकल जैक्सन और एक सीन में माइकल जैक्सन जो मूव स्टैचू बन के खड़े हुए हैं, यानी कि जो पोजीशन, जिस पोजीशन में खड़े हुए हैं उन्हें एक हाथ ऊपर की तरफ और एक हाथ नीचे की तरफ, और इसे देख के आलमस जैकब इसे शैतानिक सिंबल मानते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो हो सकता है कि माइकल जैक्सन की एस अबव सो बिलो जो है वो ये दर्शाया जाता हो कि जितना मैं आसमान की तरह छू, मेरा सर आसमान की तरह आसमान छू रहा है, उतनी ही मेरे पैर जमीन के अंदर है। और या फिर ये हो सकता है कि राइट साइड जो है वो आसमान पैरों की तरफ शो करते हैं और लेफ्ट साइड जो है वो ह्यूमन की तरह शो करते हैं। तो कोइंसिडेंसली शैतानिक ड्राइंग सिंबल की वजह से मैच हो भी सकता है, लेकिन हमें लिटरली ऐसा नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर टू, वन आई साइन इज वन आई साइन, आई शाई साइन इज वन आई साइन इल्यूमिनेटी साइन। तो माइकल जैक्सन जो तस्वीर एक तस्वीर है किसी है वो तो बचपन की, वहाँ पे तो माइकल जैक्सन बहुत शर्मीली दिखाई दे रही है, और इतना शर्मीली कि एक आँख छुपा रहे हैं और दूसरी आँख को शो कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो नॉटी चाइल्ड है वो जब अपने आप को शर्मीली सब दिखाते हैं, जब शर्मा जाते हैं, मतलब खुशी से शर्मा जाते हैं, तो वो ऐसे ही साइन दिखाते हैं,
ये इलोमी नादी साइन या फिर लूसीफर साइन नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर थ्री, माइकल जैक्सन की जो माइकल जैक्सन अपनी कॉन्सर्ट में एक साइन दिखाए हैं, स्वैग साइन, एंड इसे ऑलमोस्ट एक ऑफ डेविल गॉड्स शाइन हॉर्न साइन समझते हैं। तो जबकि ये डेविल गॉड साइन ही है, स्वैग दिखाते हैं कि क्योंकि अपने जो पॉजिटिव एटीट्यूड को अप्रिशिएट करने के लिए जो साइन दिखानी पड़ती है वो है स्वैग साइन, और इसे सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर फोर, माइकल जैक्सन की जो खूबसूरत भूत आंखें हैं, तो वो सैटानिक अल्मस जैकब सैटानिक शैतान की आंखें बता रहे हैं। तो मैं आपको बताता तो हूँ कि माइकल जैक्सन की एक थ्रिलर मूवी थे, थ्रिलर सॉन्ग म्यूजिक वीडियो आए हैं, जहाँ जिस वक्त वो दौर था जब माइकल जैक्सन का निग्रो जैसा हुआ करते थे, यानी कि ब्लैक। तो थ्रिलर में तो कई भूतों की मॉन्स्टर के बारे में पॉजिटिविटी देखते दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे एक एक लड़की और एक लड़का एक सुनसान जंगल की तरफ जाके गाड़ी रुक के और 10 मिनट पैदल चढ़ के लड़का लड़की के साथ तो एंगेजमेंट की रिंग पहना रहे हैं, और उसी वक्त फुल मून की रात होने पर लड़का अचानक वुल्फ बन जाता है, वेयरवुल्फ यानी कि इंसानी भेड़िया बन जाता है, यानी कि भूत भेड़िया भूत। तो लड़की डरकर मतलब जंगल की तरफ छुप जाती है, लेकिन लड़का उसे पकड़ लेते हैं। तो लड़का उसे जब पकड़ ही लेते लड़का उसे पकड़ लेते हैं तो लड़का उसे पकड़ पास में थोड़ी गाना बजाना चल रही है तो उसे इग्नोर मार दीजिए। तो लड़का भेड़िया भूत उसे पकड़ कर और उसका गोश्त चूसने डकारने की तैयारी में होते हैं, और वो सीन जो है वो एक मूवी सीन होती है, और उस मूवी सीन में देखने वाले होते हैं माइकल जैक्सन और उसकी से गर्लफ्रेंड। माइकल जैक्सन बहुत मज़े से लेते हैं, लेकिन जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो डर के मारे आत्माराम पिंजरी छोड़कर बाहर निकलने होते हैं, और बीच में ही से गर्लफ्रेंड थिएटर छोड़कर चली जाती हैं। तो माइकल जैक्सन उसे मनाने के लिए अपना अपना खूबसूरत बहुत गाने गाते हैं और गाता है, और एक 10 मिनट में गर्लफ्रेंड को मना लेते हैं, और गर्लफ्रेंड के साथ आज सड़क पे तैरने के लिए चलते हैं, और बीच में कई सारे भूत आ जाते हैं। भूत आकर माइकल जैक्सन और उसकी गर्लफ्रेंड को घेर लेते हैं। तो गर्लफ्रेंड डर के मारे जब माइकल जैक्सन की तरफ देखते हैं तो अचानक माइकल जैक्सन में ही गर्लफ्रेंड एक भूत एक पिशाच नज़र आता है, यानी कि गोस्ट नज़र आता है। तो वहाँ पे माइकल जैक्सन कहते हैं कि गाने में कहते हैं कि इट्स जस्ट ए ट्रेलर नाइट। तो
लड़की एक घर के सुनसान घर की तरफ छुप जाते हैं और माइकल जैक्सन घर तोड़ के अंदर आ जाते हैं। तो लड़की गर्लफ्रेंड देखती है कि माइकल जैक्सन जो गोस्ट है, भूत है, वो दूसरे भूतों की तरह आते हैं। उसमें क्या कहें, हाँ, माइकल जैक्सन जो बदरूह है और दूसरे बदरूह के साथ मिलके गर्लफ्रेंड को की गला घोटने देते हैं। तो डर के मारे ये चिल्लाने लगती है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि गर्लफ्रेंड जो देख रही है वो बस उसकी इमेजिनेशन है। माइकल जैक्सन को कुछ नहीं हुआ, माइकल जैक्सन रूहों को पटा लिया है, यानी कि घोस्ट लोगों को पटा लिया है और घोस्ट लोग उसे छोड़ कर जा चुके हमें होते हैं। और माइकल जैक्सन कहता है, भरोसा देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। तो गर्लफ्रेंड खुशी उसे करके माइकल जैक्सन की गले डाल लगाते हैं और चलने पाते हैं। तो एंड में माइकल जैक्सन हमारे तरफ तो दिखाता है, तो उसका जो आंखें है वो सब घोस्ट आई जैसे हो जाते हैं। तो हर आंखें सैद्धांतिक आंखें की तरह नहीं होती, कई कई बार सांपों की आंखों को भी कॉपी की जा सकती है। और सांप तो किसी बदरूहे तो नहीं होते। सो यहाँ पे माइकल जैक्सन के बारे में आलमास चेखव की ये पॉइंट भी बेकार गई। पॉइंट नंबर 5, सोनी कंपनी इज इन्वॉल्व इन माइकल जैक्सन डेथ, यानी कि माइकल जैक्सन के जो मौत के बाजा जो है वो उनमें से सनी कंपनी शामिल है। तो सोनी कंपनी अगर माइकल जैक्सन की मौत के बाजा अगर बंद नहीं की होती तो अब तक तो 50 साल तक जिंदा ही क्यों होते, वो तो 25 साल में मर जाते हैं। तो यहाँ पे माइकल जैक्सन के मौत में सोनी का क्या लेना देना, अलमास चेखव जरा क्लियर करके बताए, क्लैरिटी दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पॉइंट नंबर 6, डोंट ब्लेम सोनी म्यूजिक कंपनी। तो सोनी म्यूजिक कंपनी को तो ब्लेम किया जा रहा है कि आर्टिस्ट लोगों को कि म्यूजिक जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। तो आर्टिस्ट सोनी कंपनी जो है वो सोनी कॉरपोरेशन के अंडर में है और सोनी कॉरपोरेशन जो है वो सोनी म्यूजिक कंपनी, सोनी एंटरटेनमेंट कंपनी, सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी, सोनी हेल्थ केयर एंड बायो टेक्नोलॉजी कंपनी और सोनी इलेक्ट्रो और टेक्नोलॉजी कंपनी ही मिलकर ही सोनी कॉरपोरेशन बनते हैं। तो सोनी को ब्लेम करना इतना जायज नहीं होगा। ओके, पॉइंट नंबर 7, 50% ऑफ शेयर ऑफ सोनी म्यूजिक कंपनी टू माइकल जैक्सन, मीन्स माइकल जैक्सन वुड वर्क फॉर सोनी म्यूजिक कंपनी। तो सोनी म्यूजिक कंपनी, तो अहमद जगह का कहना है कि सोनी म्यूजिक कंपनी पानी ये जो है उसके साथ
उसको माइकल जैक्सन ने छोड़ना चाहते थे। तो और उसका ये मतलब था कि हर किसी ये मतलब नहीं है कि माइकल जैक्सन सोनी म्यूजिक कंपनी को छोड़ना चाहते थे। ये मतलब ये है कि सोनी म्यूजिक कंपनी माइकल जैक्सन की कमाई में से एक भी कमाई का हिस्सेदार नहीं बनना चाहेंगे। तो माइकल जैक्सन की जो अपनी म्यूजिक से एक भी कमाई अगर सोनी म्यूजिक कंपनी को नहीं मिलना चाहते तो 50% शेयर्स ऑफ सोनी म्यूजिक कंपनी माइकल जैक्सन को देने का क्या मतलब है? और अगर माइकल जैक्सन की कंपनी माइकल जैक्सन सोनी म्यूजिक कंपनी के साथ हाथ मिला वो नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अपनी कमाई के शेयर्स को सोनी म्यूजिक कंपनी को देना होगा। आप अगर अपनी कंपनी सोनी म्यूजिक को नहीं देना चाहते तो 50% शेयर सोनी म्यूजिक कंपनी का जो 50% शेयर वो माइकल जैक्सन के पास कैसे आए और इसका रहने का क्या मतलब है मैं बताओ। ओके, पॉइंट नंबर 8, इफ माइकल जैक्सन मेंशन ए वर्ड वर्ड सोनिक्यूज म्यूजिक देन वी वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ 50% ऑफ शेयर ऑफ सोनी म्यूजिक कंपनी। तो यहाँ पे सोनी म्यूजिक अगर माइकल जैक्सन ने ये मेंशन किया कि सोनी कंपनी म्यूजिक को खत्म करने चाहते हैं तो सोनी कंपनी के साथ 50% शेयर्स का क्या मतलब है? वो तो सोनी कंपनी को वापस देना चाहिए था, है ना? तो सोनी हाँ तो सोनी म्यूजिक कंपनी क्योंकि तब तक तो वो माइकल जैक्सन सोनी म्यूजिक कंपनी को छोड़ना चाहते होंगे तो यहाँ पे 50% सोनी म्यूजिक कंपनी का 50% शेयर माइकल जैक्सन के पास अब तक क्यों है मैं बताऊँ यार। ओके, पॉइंट नंबर 9, सोनी परहप्स किस म्यूजिक वाइल टीसीज कैन यू किल म्यूजिक स्टीलिंग रितवी श्रीवास्तव। ओके, सोनी म्यूजिक कंपनी शायद म्यूजिक को ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है जब टी सीरीज कंपनी म्यूजिक को ख़त्म रितवी श्रीवास्तव की गाना चुरा के म्यूजिक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हो। तो म्यूजिक हर सिंगर्स का जो है तो कोई कोई ना कोई म्यूजिक कंपनी के अंडर में तो रहते हैं तो है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे म्यूजिक कंपनीज जो है वो ओके वो तो ओके यहाँ पे म्यूजिक कई सारे म्यूजिक कंपनीज को छोड़ 2 मिनट ओके रोका ये रोका बात के लिए कैद है। वेल
टीसी हाल ही में मैंने देखा कि टीसी भी जो है, और अपने चैनल पे बने हुए म्यूजिक सॉन्ग पे कॉपीराइट ओनर क्लिक करते हैं, और ताकि हम लोग अगर म्यूजिक की टीसी की म्यूजिक को इस्तेमाल करें तो कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। लेकिन हाल ही में ऋत्विक श्रीवास्तव की जो गाना है वो टीसीज ने चुराई है, और टीसीज जो है वो ऋत्विक श्रीवास्तव को क्रेडिट तक नहीं दे रहे हैं। तो क्रेडिट तक अगर ना दे रहे हो तो यहाँ पे क्रेडिट तक ना दे रहे हो तो अब तक ऋत्विक श्रीवास्तव की म्यूजिक आ जाना चाहिए, लेकिन वो टीसीज के ओनरशिप में है। जब टीसीज ऐसा कर सकता है तो सोनी को ऐसा करने पे क्या हर्ज होता है? ओके, पॉइंट नंबर 10, माइकल जैक्सन की नेट वर्थ जो है वो सन 2009 में 500 मिलियन US डॉलर की है, जबकि जबकि सन 1985 से 95 में 50 से 100 मिलियन US डॉलर की आसपास हुआ करती थी। और यह है तो अगर माइकल हाँ है तो माइकल जैक्सन जो है वो सोनी म्यूजिक कंपनी के साथ मसला क्यों हो गए मेरे भाई? तो सोनी को म्यूजिक कंपनीज जो है वो 500 मिलियन US डॉलर पर की है। तो यहाँ पे तो 500 मिलियन US डॉलर को की राह को खत्म करने के लिए सोनी म्यूजिक कंपनी माइकल जैक्सन को मरवाएगा। हाँ, अगर कोई अगर कत्ल भी करना चाहे तो बारी मकसद से कत्ल किया होगा। क्या है 50-100 मिलियन के लिए कत्ल करेंगे? हाँ, पॉइंट नंबर 11, माइकल जैक्सन की कैटलॉग जो है वो सोनी कंपनी ने 750 मिलियन US डॉलर में खरीद ली, और वो भी माइकल जैक्सन की मरने के 8 साल बाद। तो माइकल जैक्सन तो सोनी कंपनी जो है वो 45 बिलियन की कंपनी से, और माइकल जैक्सन की नेट और थे, यानी कि माइकल जैक्सन की जो जायदाद का जो कीमत है वो 500 मिलियन US डॉलर की है। तो 45 बी कहा 45 बिलियन और कहा 500 मिलियन, आलमा कौन? ओके, कहा 45.9 US डॉलर और कहा 5.8 US डॉलर मेरे भाई। ओके, पॉइंट नंबर 12, माइकल जैक्सन जो है वो सोनी म्यूजिक कंपनी से जेलस थे, ये आलमा जैकब का कहना है। तो मेरा मानना है कि माइकल जैक्सन जो है वो सोनी म्यूजिक कंपनी से जेलस तो नहीं होंगे,
एक आर्टिस्ट जो है अपना आर्ट सबके सामने पेश करने के लिए एक मीडियम का सहारा लेना होता है। तो जिस मीडियम का सहारा लेकर एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट पेश कर पाता है और उसे चाहे कोई भी कमाई मिली हो तो उस आर्टिस्ट को उस मीडियम से जेलस नहीं होते, क्योंकि अगर वो ना होते तो मेरी जो आर्ट है वो 5-10 में अटक जाते हैं होते हैं। तो माइकल जैक्सन की यही हाल है। तो सोनी म्यूजिक कंपनी के से पहले तो उनकी जो कला है वो 10-12, उनकी जो गाना सिंगिंग वॉइस है, म्यूजिक वॉइस है, वो 1,000, 10,000, 20,000 में अटक जाते हैं। लेकिन सोनी म्यूजिक कंपनी आने के बाद मिलियंस तक पहुंच पाते हैं। तो सोनी म्यूजिक कंपनी से अगर जेलस होता तो सोनी म्यूजिक कंपनी के साथ काम ही क्यों करता और 50% शेयर्स भी क्यों होते भाई? हाय, तुम्हारे कंपनी का आधा शेयर मेरी है, तो मैं यानी कि तुम्हारी कंपनी की जो रेवेन्यू होगी उसमें से आधा इस शेयर मेरे पास आएगी, तो मैं तुमसे जेलस क्यों होंगी मेरे भाई? ओके, पॉइंट नंबर 13, माय फेवरेट पॉइंट नंबर, माई फेवरेट नंबर। ओके, पॉइंट नंबर 13 इज दैट इफ माइकल जैक्सन वॉन्टेड टू ओन द इंटर सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट, ही वुड हैव टू प्रूव हिज स्किल अबाउट म्यूजिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे आलमान शेखब का कहना है कि सोनी म्यूजिक का ये मानना है कि एक दिन माइकल जैक्सन पूरी सोनी कंपनी को ही अपने हड़प लेगा। तो अगर सोनी म्यूजिक माइकल जैक्सन को पूरे सोनी कॉरपोरेशन को हड़पनी है तो सबसे पहले म्यूजिक के बारे में, म्यूजिक के बारे में उनकी स्किल दिखानी पड़ेगी जो उसके पास है। लेकिन उसके साथ जो स्किल दिखानी पड़ेगी वो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट ही पूरे इंटर सोनी कंपनी है नहीं, तो बल्कि उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल सर्विस में उनकी टैलेंट और स्किल दिखानी पड़ेगी। जहाँ उनकी टैलेंट कंप्यूटर सिंग म्यूजिक पे है। तो अगर सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट को अपने कब्जे में ले भी ले तो भी सोनी कॉरपोरेशन के अंडर में ही तो काम करने पड़ेंगे, है ना? वेल, पॉइंट नंबर 14, सोनी कॉरपोरेशन की जो नेट वर्थ है वो 45, सन 2020 तक 45 बिलियन है, जो कि माइकल जैक्सन की नेट वर्थ की और से 90 गुना ज्यादा है। तो मैं बता चुकी हूँ कि माइकल जैक्सन की नेट वर्थ है
वो 500 मिलियन US डॉलर है, जबकि सोनी कंपनी का जो नेट वर्थ है वो 45 बिलियन US डॉलर है। तो हड़प्पा कुछ आपको अगर कुछ बात समझी हो तो आपको समझ लेना। पॉइंट नंबर 15 ही, पॉइंट नंबर 14 ही की एक्सप्लेनेशन है। माइकल जैक्सन पे 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ का कर्ज है और नेट वर्थ जो है वो 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ थे करोड़ US डॉलर की है। अगर माइकल जैक्सन सोनी म्यूजिक सोनी कंपनी की 50% हिस्सा शेयर्स माइकल जैक्सन के पास ना होता तो माइकल जैक्सन की नेट वर्थ है वो अब तक 16 बिलियन US डॉलर का हो चुका होता, यानी कि मार्क जुकरबर्ग की बराबरी है या फिर शायद मार्क जुकरबर्ग से भी बड़ा हो, लेकिन 500 मिलियन US डॉलर की नेट और 50 करोड़ US डॉलर की नेट और 40 करोड़ US डॉलर की कर्ज और 50% हिस्सा के साथ मैच नहीं होते। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 17, सोनी रिस्पेक्टेड माइकल जैक्सन ओनली एज आर्टिस्ट, देन वी वांट टू नो द मीनिंग ऑफ सोनी 50% शेयर टू माइकल जैक्सन। ओके, सोनी आलमास जैकब का कहना है कि सोनी कंपनी जो म्यूजिक कंपनी जो है सोनी कंपनी जो है वो माइकल जैक्सन को सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह समझते हैं। आर्टिस्ट की तरह समझे तो उसको समझे तो, और हमें पता है कि एक आर्टिस्ट अगर सिर्फ एक आर्टिस्ट को म्यूजिक कंपनी सिर्फ आर्टिस्ट की तरह समझा जाए तो वो आर्टिस्ट को 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10% की शेयर्स देंगे। अगर उस आर्टिस्ट की ज़्यादा सबसे ज़्यादा टैलेंटेड टैलेंट हो तो 12% शेयर हर किसी तक हर किसी नहीं दे सकते। यहाँ 50% शेयर की बात हो रही है जो माइकल जैक्सन के पास है, तो 50% शेयर माइकल जैक्सन को सोनी ने सिर्फ आर्टिस्ट समझ कर नहीं देखा था, वो भी नहीं बल्कि माइकल जैक्सन की जो टैलेंट है तो ये 50% उसके जरिए ज़्यादा शेयर्स दी गई होंगी। तो यहाँ पे म्यूजिक 50% म्यूजिक शेयर्स की बात हो रही है। तो अगर 50% शेयर्स हो तो 16 बिलियन यानी कि 1600 करोड़ US डॉलर, यहाँ पास 50 करोड़ US डॉलर की बात हो रही है जो ने माइकल जैक्सन की टोटल नेट वर्थ। सो आपको समझ गए होंगे कि ये है कि यहाँ पे किस 50% की बात हो रही है। हाँ ओके, पॉइंट नंबर 17,
सोनी एडवांटेज आफ्टर माइकल जैक्सन डेज डजन मी सोनी एसोसिएशन माइकल जैक्सन हॉन। तो अल्मास चेकअप का ये कहना है कि माइकल जैक्सन की मौत पे सोनी कंपनी का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। इसका ये मतलब है कि इसलिए माइकल जैक्सन के मौत के रचना सोनी ने ही की थी। वेल ओके आर्च किया है कि मैं एक कंपनी में की डीएम हूँ, मैं एक कंपनी की जीएम हूँ यानी कि जनरल मैनेजर, और कंपनी और उस कंपनी की चेयरमैन और ऑपरेशन चेयरमैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है यानी कि सीओ की अंडर में है। तो सीओ है तो मैं अपनी मौत मैं दो दिन पहले ही सीईओ बन चुकी है ही हूँ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और सीओ यानी कि चीफ ऑर्गेनाइजेशन गल का चीफ ऑफिसर और की अंडर्स में है। तो दो रात पहले ही मेरी कत्ल हो गई थी। तो मैंने एक विल बनाया और मैंने तो मेरी मौत के बाद सोनी कंपनी मेरी बुक्स को इस्तेमाल करके मेरी कंपनी मेरी मरने के बाद मेरी किताब को इस्तेमाल रिसर्च की किताब को इस्तेमाल करके तो ज़्यादा फायदा मिला। तो क्या उसका हमेशा ये मतलब होगा कि मेरी कंपनी ही ने ही मुझे मारा? नहीं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मेरी कंपनी के दुश्मन ने यानी कि मेरी कंपनी के वजह से मेरी देश का जो फायदा हो रहा है उस देश की दुश्मन के किसी चमचे ने मुझे मारवाया हो और मेरी मारने के बाद मेरी कंपनी का ज़्यादा फायदा मिलना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक है। सोनी कॉरपोरेशन जो है वो अमेरिका में है और जापान में भी है और सोनी और अमेरिका की सबसे ज़्यादा दुश्मन जो है वो इराक है और इराक और क्यूबा और आजकल चाइना के साथ लफड़ा हो रहा है और जापान के साथ चाइना का लफड़ा हो रहा है और मलेशिया और जापान की तरक्की से जलते हैं। तो इसलिए शायद माइकल जैक्सन को एसेशन इसलिए कराया गया हो ताकि सोनी कंपनी के ज़रिए अमेरिका या फिर जापान कोई अच्छा आर्टिस्ट हिस प्रोवाइड ना ही कर पाए कर ही ना पाए। तो मैं अब जहाँ पे रहती हूँ वह जिस घर में पेन गेस्ट हूँ उस घर में एक टेलीविजन है बाबा आदम जमाने के और उसका नाम है सोनी टेलीविजन सेट, उसके जो ब्रांड है उसका नाम है सोनी। तो आप मैं शायद आपको बात समझा पाऊंगी। वेल ओके पॉइंट नंबर 18 ही या अल्मास जैकब का ये कहना है
माइकल जैक्सन जो है वो इलुमिनाटी है, यानी कि इलुमिनाटी मेंबर है, मेंबर्स है, तो इलुमिनाटी के पापेट है ये बात अगर इग्नोर मान लेती, ये बताते तो इग्नोर मान लेती, लेकिन इलुमिन सीधे इलुमिनाटी कहा। ओके 40 करोड़ US डॉलर का कर्ज, 50 करोड़ US डॉलर का बची हुई जायदाद, और माइकल जैक्सन इल्यूमिनाटी का मेंबर। हाँ तो पॉइंट नंबर माय अल्मा जैकोब को कहने के मुताबिक इल्यूमिनाटी उन लोगों के अंडर उन लोगों को मेंबरशिप देता है जो जिनके जायदादों की कीमत बिलियन में है, बिलियन में बात करते हैं, यानी कि 100 करोड़ 1000 करोड़ और लाख 10,000 करोड़ तक हो जाते हैं। और माइकल जैक्सन के जायदाद बची हुई जायदाद की कीमत से 50 करोड़ है और उन पर 40 करोड़ का कर्ज भी आया था। अगर 40 हाँ ओके 40 करोड़ का जो हाँ, और जहाँ तक अमेरिका की बात आई तो 5 फैमिली की जो प्रॉपर्टी लाइन यानी कि गरीबी की रेखा जो है वो 25,000 US डॉलर पे आकर ख़त्म हो जाता है, और या और बांग्लादेश में 30,000 US डॉलर हो तो हम मिडिल क्लास, खुद को मिडिल क्लास फैमिली बताते हैं, और सॉरी और बांग्लादेश में 30,000 US डॉलर की मंथली इनकम हो तो हम खुद को अमीर बताते हैं, जबकि 25,000 US डॉलर की इनकम करने वाले आमदनी करने वाले इंसान अमेरिकन ने खुद अपने आप को गरीब बताया है। अब भाई कुछ समझ में आया या फिर मैं समझाऊं? ओके पॉइंट नंबर 19 ही माइकल जैक्सन ने एक गाना लिखा था मानिए नाम की, उसमें लिरिक्स पढ़ा जाए तो लिरिक्स में एक पॉइंट ऐसा है कि इवन आई सेल माई सोल टू द इविल एनीथिंग। तो अल्मास जैकोब ये क्या का ये कहना है कि माइकल जैक्सन अपने पैसों के लिए अपने आत्मा देविल शैतान के हाथ में सौंप देता है, जबकि मेरे ख्याल से ये हर किसी मतलब नहीं है। इसका ये मतलब हो सकता है कि हम पैसा और सक्सेस के लिए दुनिया के किसी भी गुनाह करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। आजकल ₹1,000 के लिए बांग्लादेश में कत्ल आम होता है और दूसरी बीबी को घर में लाने में कामयाब हो पाए, इसलिए ये पति पहली बीबी को ही कत्ल कर देते हैं। और यह तो हम अपने आप के साथ ईमानदारी से कैसे रह ले ये समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी अभी
4 साल पहले बांग्लादेश में ये खबर आई थी कि एक बांदा 10वीं नौवीं नाइन्थ स्टैंडर्ड में 10th पोजीशन में आए थे। तो उस वक्त तो रात में ये जाकर रात में जाकर नौ पहले फर्स्ट नाइन को मेरिटोरियस स्टूडेंट को कत्ल कर दिया, और अगले दिन पता चला कि वो तो 10th पोजीशन में तो है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन से 9th पोजीशन के में आने वाले पराई मारे गए हैं, और इसलिए 10th पोजीशन में रहने वाला बच्चा फर्स्ट पोजीशन की हैसियत से क्लास 10 में प्रोमोट की गई है। तो सक्सेस के लिए हम कितनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं, तो ये बात होते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग सक्सेस के लिए अपनी ईमानदारी को ही पे जीता है। और अमेरिका में और मेक्सिको में गोल्ड मेडल जीतने वाले को ही कत्ल करके कर दिया जाता है, ताकि गोल्ड मेडल जो है वो उनके पास आ जाए जो ब्रॉन्ज मेडल की हो, और ब्रॉन्ज मेडल उनके पास आ जाए सिल्वर मेडल की हो, सिल्वर मेडल वाले उनके पास आ जाए जो ब्रॉन्ज मेडल की हो, ब्रॉन्ज मेडल उनके पास आ जाए जो 4th पोजीशन में हो। मतलब कुछ भी यार, या फिर अपने घर में गोल्ड मेडल को अपने घर में गोल्ड मेडल लाने के लिए ही गोल्ड मेडलिस्ट को कत्ल किया जाएगा। तो ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। ओके पॉइंट नंबर 20, मानी सॉन्ग डेडिकेटेड नॉट टू लूसिफर बट रिप्रेजेंट ह्यूमन काइंड मानी रिजर्व टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मानीज जो है वो लूसिफर की तरह मानी सॉन्ग जो है और लूसिफर के लिए डेडिकेटेड नहीं है, बल्कि जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो उन इंसान को रिप्रेजेंट किया जाएगा जो गरीबी की रेखा की वजह से पैसा के लिए तरसते हैं। तो अगर आप गरीब हो तो पैसा के लिए आप झूठ भी बोल सकते हो, आप पैसा के लिए मरने का नाटक भी कर सकते हो, या फिर पैसा के लिए दूसरों को कत्ल भी कर सकते हो, या फिर पैसा के लिए ये शैतान को अपने रूह भेज सकते हो। तो ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। ओके थोड़ी सी रिलैक्स हो लो। वेल पॉइंट नंबर 21, माइकल जैक्सन में हाथ में जो एक हैंड साइन है, तो अलमास जैकब का कहना है ये 666 हैंड साइन है, जबकि हर किस ऐसा नहीं है। तो अलमास जैकब को अपनी डांस के वक्त अपनी ऑडियंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर अपनी ऑडियंस को ऑडियंस की प्रेज कर रहे हैं। तो ऑडियंस की प्रेज और अप्रिशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके जो ऑडियंस होते हैं वो
3-4 घंटे तक माइकल जैक्सन की ऑडियंस होते हैं, तो 3-4 घंटे तक माइकल जैक्सन की कॉन्सर्ट में आते हैं, और माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में आके माइकल जैक्सन की कॉन्सर्ट में आके तो खुद को अप्रिशिएटेबल जाहिर है, तो करीब रोज या फिर सर्दियों में को में आ भी अपने आप को कष्ट देकर माइकल जैक्सन की गाने सुनते हैं और इंजॉय भी खूब मजे से कर लेते हैं, तो माइकल जैक्सन उनको भी अप्रिशिएट किया होगा, है ना। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, माइकल जैक्सन हैज 666 एंड ओनली डांस मूव और टू अप्रिशिएट हिज ऑडियंस। पॉइंट नंबर 22, मैक्सिमम कॉन्सर्ट ऑफ माइकल जैक्सन नो इल्यूमिनाटी एलिट मेंबर वर प्रेजेंट। ओके, तो कुछ कंसर्ट में ऐसे आमिर प्रेजेंट हुआ हो जो जिसकी आमिरी की सबसे इल्यूमिनाटी का शायद मेंबर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो कॉन्सर्ट होता है माइकल जैक्सन में वहाँ पे इल्यूमिनाटी मेंबर्स प्रेजेंट होता ही नहीं। इल्यूमिनाटी एलिट मेंबर तो दूर की बात, इल्यूमिनाटी मेंबर प्रेजेंट होता ही नहीं ही। तो माइकल जैक्सन अगर अपनी डेविल इल्यूमिनाटी साइन लेकर और दूसरा इल्यूमिनाटी मेंबरों से कम्युनिकेट करते हैं, तो कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? उनकी ज़्यादातर कंसर्न में तो इल्यूमिनाटी मेंबर होते ही नहीं, तो उनको क्या क्या कर पाएंगे है। और जो आज हो भी जाए तो हो सकता है 10 किलोमीटर दूर की, 1 किलोमीटर दूर की हो या फिर 100 मीटर दूर की हो, उनको इतनी दूर से ये हैंडसन कहाँ नजर आएगा मेरे भाई। हाय, ओके। पॉइंट नंबर 13, आलमास जैकब का कहना है कि माइकल जैक्सन के चमड़े से खेला गया है और माइकल जैक्सन फेम पाने के लिए कारासला से गोरा बन गया है। ओके, माइकल जैक्सन के माइक में सन 2016 में माइकल जैक्सन की दो म्यूजिक सॉन्ग देख रही थी, एक है माइकल जैक्सन थ्रिलर और दूसरे हैं माइकल जैक्सन बैट्स। तो माइकल जैक्सन थ्रिलर जब आया था तो माइकल जैक्सन काला था, फिर भी वो 30 मिलियन तक पहुंच चुकी है, और माइकल जैक्सन की बैट को शूट किया गया है तब माइकल जैक्सन एक गोरा था, लेकिन उनकी वीडियो की रीच 1 मिलियन, और सबसे ज़्यादा म्यूजिक सॉन्ग की सबसे ज़्यादा फायदा जो हुआ है माइकल जैक्सन, वो उस दौर पे हुआ है जब माइकल जैक्सन एक काला था। हाँ, आप गोरे होने पर उनका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। हाँ, तो माइकल जैक्सन के चमड़े से इल्यूमिनाटी वालों को खेलने का क्या फायदा होगा मेरे भाई? मुझे तो कोई फायदा नजर नहीं आया, उल्टो नुकसान ही नजर आया। ओके, माइकल जैक्सन आखिर बात तब ब्लैक था जब कॉन्सर्ट में शॉर्ट सर्किट की एक्सीडेंट हुए थे, उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन की गई है
और माइकल जैक्सन गोरा बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लास्टिक जैसा सर्जरी से ऑपरेशन के पहले इंसान देखता कैसा था, उसकी तस्वीर हमें नहीं मिलती, और जिसकी वजह से ऑपरेशन करने के बाद ऑर्गन की शक्ल दूसरी तरह हो दूसरी किस्म की बन गई है। और ऐसा होता है, और अगर ऐसा ना होता ना आर्नोल्ड स्वैनजर लड़की बन जाता और ना ही माइकल जैक्सन घोड़ा बन जाता, बल्कि काला ही रहता। और माइकल जैक्सन तो अपने ब्लैक होने से ही फकर है, तो वो गोरा क्यों, उसको गोरा क्यों बनाया जाएगा मेरे भाई। ओके, ये थी आज की म्यूजिक, ये थी आज की बात, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, अब मैं एंडिंग लगाऊंगी, और अगले वीडियो के तक आपको शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। يا ساري يا خبيري يا ساري